हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय शो स्केचअप इन 2 मिनट्स। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जो टूल है वो हेल्प करता है आपको आर्क बनाने में। तो आर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल उनके लिए जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटीरियर के स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये उनके लिए, क्योंकि वो कभी ना कभी एनकाउंटर करते हैं ये आर्क बनाने के लिए, और वो आर्क बनाना इतना आसान नहीं है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो लेट अस डिस्कस दिस आर्क टूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको क्या क्या करने दे सकता है ये स्केचअप में, आइए देखते हैं। तो जब हम आर्क की विंडो खोलते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमें दो आर्क मिलते हैं, तीन आर्क बेसिकली। तो एक होता है 2 पॉइंट आर्क, एक होता है 3 पॉइंट आर्क और एक होता है पाई। तो आई टेल यू कि इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। पहले तो हम 2 पॉइंट आर्क की बात करते हैं। ये 2 पॉइंट आर्क में होता क्या है कि हमने 2 पॉइंट लिए, 1 और 2। अब देख रहे हैं ये 2 पॉइंट लिए हमने, ये 1 या 2। अगर हम ये एक्सिस पर बनाते हैं, क्योंकि ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा लाइट नहीं होगा, तो रेड एक्सिस पर बनाते हैं। तो ये हमने दो, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, और यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ हमें इतना डिस्टेंस का चाहिए। जैसे नीचे लिख के आ रहा है, यहाँ लिख के आप डाल सकते हो कितने डिस्टेंस पर आपको आर्च चाहिए। तो अगर आपको आर्च का जो नीचे का डिस्टेंस चाहिए वो 4 फिट चाहिए बेसिकली, तो आपने यहाँ करके 4 फिट डाल दिया, 4 फिट। अब आप जब आपने जो बेस पॉइंट है, ये दोनों बेस पॉइंट डिफाइन कर दिए, अब आपको बल्ज डिफाइन करना होता है यहाँ कि आप बल्ज कितना लेना चाहते हैं ऊपर। जब बल्ज होता है तो ये जो सेंटर है उससे ऊपर कितना ऊपर आप जाना चाहते हैं, तो ये डिफाइन, ये आर्च भी बना देता है और आपको हेल्प करता है ये पता करने में कि ये जो आपकी डिफाइंड 2 पॉइंट है उससे ऊपर आपको कितना ऊपर ले जाना है। तो अगर आप डाल देंगे 2 फिट फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 फिट आपका शायद लगा नहीं, 1 मिनट, 2 फिट ये पहुंच जाता है। अब मैं 2 फिट एंटर कर दिया तो ये आपका आर्च बन गया। अब आप गौर से अगर देखें तो ये आपने पहले 2 पॉइंट डिफाइन करे, बेस पॉइंट, उसके बाद आपने ये उसका जो हाइट वाला पॉइंट है, जितना बल्ज आएगा उसका हाइट वाला पॉइंट डिफाइन किया है, राइट। तो ये जो आपने मेंशन किया, अगर आप यहाँ से लाइन खींचे, लाइन का मान लेके देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं, अगर आप लाइन खींचे तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हाइट, ये आपने डिफाइन की थी बाद में 2 फिट आ गई। देखिए यहाँ हाइट मेंशन भी कर रहा है, जब मैं यहाँ आऊँगा तो 2 फिट आ गई, राइट। तो आपने पहले 4 फिट डिफाइन किया, इसको 2 फिट किया, और ये अपने आप एक आर्च में कन्वर्ट। ये होता है हमारा 2 पॉइंट आर्क। इसमें हम बेस 2 पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, बाद में बल्ज डिफाइन करते हैं। आइए अब समझते हैं 3 पॉइंट आर्क में क्या होता है। 3 पॉइंट आर्क में क्या होता है कि आप एक पॉइंट लेते हो, जैसे ये कॉर्नर वाला पॉइंट आपने एक डिफाइन कर दिया, अब आप आगे चले। जब आप आगे चले तो उसमें जो एंड पॉइंट है वो डिफाइन ना करके हम सेकेंड पॉइंट डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें हमने क्या किया था, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट पहले डिफाइन किया था, बाद में बल्ज डिफाइन किया था। पर अब इसमें हम ऐसा नहीं करने वाले, हमने एक बेस पॉइंट स्टार्ट करा और हम सीधा बल्ज के पास जा रहे हैं, तो हम जहाँ भी चलेंगे क्लिक करेंगे वहाँ से वो बल्ज शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अब देखिए अभी यहाँ से ये बल्ज बनाना शुरू कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना एंगल चाहिए। अभी ये मांगता है यहाँ एंगल, तो आपको जैसे 30 एंगल चाहिए, 40 एंगल चाहिए या 150 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ 120, ये मैंने 120 डाला, तो ये 120 भी खत्म हो गया। अब समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका जो तीसरा पॉइंट है, ये एंगल के हिसाब से डिफाइन किया है आपने, ये हमने ये तीसरा पॉइंट है कहाँ डिफाइंड होगा, वो एक एंगल से डिफाइन हुआ। तो अगर आप इसको नापें, ये हमारा जो ये है ये, तो ये आर्च हमारा ऐसा बनता है, राइट, ये ऐसा आर्च बन जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, पहले ये पॉइंट लिया, उसके बाद ये तो दूसरा पॉइंट लिया, और तीसरे पॉइंट पे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जब भी हम एंगल डालते हैं। तो दिस इज 3 पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट डालते हैं बेस वाला, दूसरा पॉइंट बेस का नहीं लेते, दूसरा आर का लेते हैं, कहाँ हमें आर को पहुँचाना है, और उसके बाद हम नीचे वाला बेस पॉइंट पे दोबारा आते हैं, राइट। अब देखते हैं तीसरा आर्क, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इज पाई आर्क। अब पाई आर्क में क्या होता है कि हमने एक क्लिक किया और ये हमारा पार्क आर्क का वो शुरू हो गया। अब इसमें हम एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि हमें कितना एंगल लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिफाइन किया कि मैं मुझे आर्च बनाना है 2 फिट की डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ 2 फिट डाला। अब मुझे कितना ऊपर ले जाना है आर्च, अगर क्या मुझे ऐसे पूरा आर्च लेना है 180 डिग्री पे, या मुझे 90 डिग्री पे ख़त्म करना है, या मुझे ये करना है। तो इट एक्चुअली हेल्प यू इन मेकिंग अ पाई। आपने पिज्ज़ा खाया, पिज्ज़ा में देखिए आप बीच में से काटते हैं और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पाए बन जाता है,
राइट, एक जो है वो हम काट लेते हैं उसको पाई कहते हैं, राइट। तो वो हमें बहुत हेल्प करता है कि हमें कितने एंगल में काटना है। अगर हम टोटल देखें तो 350 डिग्री का एंगल होता है पूरा, तो हम 350 बना सकते हैं सर्किल में है। और अगर हमें थोड़ा सा चाहिए 90 डिग्री चाहिए, हम चाहते हैं कि 70 डिग्री का हमें पाई मिल जाए, तो हम 70 डिग्री डालेंगे, 70 डालते हैं और ये 70 डिग्री का पॉइंट बन जाता है। अब एग्जाम्पल अगर आप देखें, यहाँ एक लाइन खींचिए, तो ये जो आपका एंगल है दैट इज 70 डिग्री, तो ये आपको 70 डिग्री आपको एंगल में पाई मिल जाता है। तो ऐसे आप तीन डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स बना सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप कोई भी गुरुद्वारा, मॉस्क या कोई भी ऐसा आर्किटेक्चुरल एलिमेंट डिजाइन करने की कोशिश करेंगे जिसमें आर्चेस की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप इसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स डिफाइन करेंगे और डिज़ाइन करेंगे और बार बार बनाएंगे, उतना ही आप इतना उस पर रिफाइन होते जाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय बाय।